हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज ट्रिक विद निशू। गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो मास्टर डिग्री कोर्स है वो इग्नू से कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये इससे डिस्कशंस हम करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फॉर ऑल स्टूडेंट बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने वाली है या हो चुकी है, है ना। तो अब हम लोग जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मन में होता है कि हमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन्स लेना है, ठीक है। यानी आपको मास्टर डिग्री करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कुछ भी हो सकता है। आप बीएड करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या एलएलबी करना चाहते हैं या एमबीए या एमए, है ना। तो इस तरह से, बट मैं यहाँ पे जो कोर्सेज की बात कर रही हूँ वो एमए यानी मास्टर डिग्री कोर्सेज की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए आप इग्नू में एडमिशन्स ले सकते हैं क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है गाइस कि सीयू जो है वो बेस्ट है या बीयू जो है वो बेस्ट है, इग्नू उतनी बेस्ट नहीं है, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सीयू की वैल्यू है, बीयू की वैल्यू है और जो डिस्टेंस है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। तो गाइस मैं बता दूं कि पहले ऐसा था, हाँ हम ये मान सकते हैं कि पहले ऐसा था, बट गाइस मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी जो है वो डेज जा रहे हैं ना गाइस, तो यहाँ पे जनरेशन्स चेंज होते जा रही है एडुकेशन के मामले में। एडुकेशन का जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होता जा रहा है, हम लोग जैसा कि देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे चेंजेस हुआ है कि सभी की वैल्यू है, चाहे बीयू हो, सीयू हो या डिस्टेंस हो, सभी की वैल्यू है। तो गाइस अगर आप डिस्टेंस से एमए करना चाहते हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसलिए तरीके से कर सकते हैं। और इसकी वी वैल्यू है जितनी की सीयू और बीयू की है गाइस। तो यूनिवर्सिटी से आपको कोई ये नहीं फ़र्क है कि आपको ये से वैल्यू है या वो यूनिवर्सिटी वैल्यू है, ठीक है। आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गाइस कहीं भी आपके परसेंटेज देखे जाते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, देखो अगर आप मान लो कि एमएमए एडमिशन्स लेने जा रहे हो या बीएड में या पीएचडी में, अदर कोर्स किसी में भी, तो क्या आपको कहीं भी फॉर्म फिलअप करते वक्त या एडमिशन वक्त कहीं भी टीचर्स ये नहीं पूछेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। जब वो रिजल्ट और आपके सर्टिफिकेट देखेंगे तो आपके पता चली जाएंगे कि हाँ आपने ये यूनिवर्सिटी से की है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से की है। बट आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। आप देखो मास्टर डिग्री कोर्स के लिए आपके 50 या 55 परसेंटेज होना चाहिए, है ना। आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी मार्क्स अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपका एडमिशन हो सकता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए ना हो। और अगर आप बहुत ही हाई लेवल यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया बट आपके 50 या 55 परसेंटेज नहीं है, तो फिर आपके कभी भी किसी हालत में आपके एडमिशन नहीं हो सकता है। तो देखा गाइस, यहाँ पे मैंने यही बताना चाहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखी, आपकी परसेंटेज मायने रखी। तो कहीं भी आप जाओगे ना, किसी भी कोर्सेज करने के लिए है, उसमें एडमिशन्स के लिए ना गाइस, तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी बाद में देखा जाता, पहले आपके परसेंटेज देखा जाते। तो हमेशा कोशिश करो कि जिस यूनिवर्सिटी में रहूँ उसमें परसेंटेज मेरी अच्छा आनी चाहिए, मार्क्स अच्छी आनी चाहिए और वैल्यू सभी की है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो बहुत बेनिफिट आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।